इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीमों के बड़े खिलाड़ियों के पहले मुकाबले में खेलने की परेशानी का हल निकलता दिख रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम के बीच वनडे सीरीज बुधवार 16 सितंबर को खत्म हुई है। इस टीम में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, जो हेजलवुड, एरन फिंच और जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। क्वारंटाइन के 6 दिन के नियम की वजह से इन सभी के पहले मैच में खेलने की उम्मीद कम थी, लेकिन रिपोर्ट की माने तो इस अवधि को कम कर दिया गया है। दरअसल आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों के लिए राहत की खबर आ रही है कि अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को 6 दिन की जगह महज 36 घंटे ही क्वारंटाइन में रहना होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई वनडे सीरीज में 21 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको यूएई में टूर्नामेंट में भाग लेना था। चेन्नई को पहले मुकाबले में तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड का उतारने का मौका होगा। दरअसल आईपीएल खेलने वाले दोनों टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड से या निजी विमान से पहुंचेंगे। बता दें कि दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने क्वारंटाइन समय में छूट की मांग की थी, जिसके बाद अब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने उनकी इस मांग को मान दिया है। दरअसल आईपीएल के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को अब 6 दिन की जगह सिर्फ 36 घंटे ही क्वारंटाइन रहना होगा। ऐसे में दोनों टीम से जुड़े बड़े खिलाड़ी पहले ही मुकाबले से अपनी टीम से जुड़े रहेंगे। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर गुरुवार की देर रात यूएई पहुंच गए हैं। इसके बाद सभी खिलाड़ियों का कोविड-19 का आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। मैं आपको बता दे, वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि उन सभी खिलाड़ियों का बोर्डिंग से पहले एक कोविड-19 टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट उनके यूएई पहुंचने पर होगा। इस क्वारंटाइन समय में बदलाव के सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सभी खिलाड़ी बायो बबल से ही दूसरे बायो बबल में पहुंच रहे हैं। ऐसे में इतना लंबा क्वारंटाइन समय रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इन दोनों देशों के खिलाड़ी से जुड़ी फ्रेंचाइजियों से बीसीसीआई ने बात की है और वो सभी इस फैसले से काफी खुश हैं। दरअसल एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई ने बेहतरीन काम किया है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के हेजलवुड, राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर के सभी खिलाड़ी पहले दिन से ही मौजूद रहेंगे। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब को ग्लेन मैक्सवेल और दिल्ली कैपिटल्स को एलेक कैरी का साथ मिलेगा। बता दें कि 6 दिन के क्वारंटाइन समय से सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनको अपना पहला मुकाबला 23 सितंबर को खेलना था। कोलकाता के पास इयान मॉर्गन, टॉम बेंटन और पैट कमिंग्स जैसे खिलाड़ी थे। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।